हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज मैं आपके लिए सिंगल फेज एसी सर्किट के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको वेव फॉर्म, फेज, एम्पलीट्यूड, वेव, फेज डिफरेंस एंड साइकिल, इन सभी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। स्टूडेंट, ऐसे तो ये काफी सिंपल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जिस भी स्टूडेंट को इन बेसिक डेफिनेशन में कंफ्यूजन है, यकीन मानिए उनके लिए सिंगल फेज एसी सर्किट और थ्री फेज एसी सर्किट समझना और साइन और कोसाइन वेव को यूज करके न्यूमेरिकल एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट होगा। इसीलिए स्टूडेंट, इन सारे डेफिनेशंस को आप ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टूडेंट, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम वेव फॉर्म, फेज, फेज डिफरेंस, साइकल्स, एम्पलीट्यूड एज वेल एज मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहला है वेव फॉर्म। व्हाट इज वेव फॉर्म? मीन्स अ कर्व शोइंग द शेप ऑफ वेव एट अ गिवन टाइम इज नोन एज वेव फॉर्म। यानी एक कर्व जो कि किसी भी साइन या कॉस या किसी भी टाइप के सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड वेव फॉर्म। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में जब हम उसके मैग्नीट्यूड को प्लॉट करते हैं तो दैट शेप इज कॉल्ड वेव फॉर्म। यानी वेव के शेप को हम वेव फॉर्म बोलते हैं। लाइक यहाँ पे वोल्टेज और करेंट किसी भी क्वांटिटी का अगर मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो अगर वो साइन नेचर का होगा तो इट्स वेव फॉर्म विल बी लुक लाइक दिस, जिसमें एक पॉजिटिव साइकिल होगा, एक नेगेटिव साइकिल होगा। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मेरे पास पल्सेटिंग टाइप का वेव फॉर्म है, चाहे वो वोल्टेज या करंट हो, तो पल्सेटिंग टाइप के सिग्नल के लिए ऐसा वेव फॉर्म बनाऊंगा। अगर मेरे पास डीसी सिग्नल है वोल्टेज या करंट, तो उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली मेरे पास अगर वेरिएबल वेव फॉर्म है, चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर हो, तो उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास प्योर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो उसका वेव फॉर्म ऐसा बनेगा। मीन्स व्हाट इज वेव फॉर्म? वेव फॉर्म इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू एंगल और विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी। स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं फेज के बारे में। मीन्स व्हाट इज फेज? तो सिंपल ऐसे फेज का डेफिनेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। फेज का मतलब है एंगुलर पोजीशन। यानी किसी भी वेवफॉर्म को जब हम प्लॉट करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे उसका पोजीशन क्या है या किसी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के लिए उस एंगल का पोजीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड फेज। मीन्स द डिविजनल पार्ट ऑफ साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम अ सिलेक्टेड ओरिजन। लाइक एंगुलर पोजिशन ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ अ गिवन वेव फॉर्म एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज फेज। जैसे यहाँ पे इन दो वेव फॉर्म्स में स्टूडेंट दोनों का फेज सेम है। क्यों फेज सेम है? क्योंकि दोनों सेम पोजिशन से इनिशिएट हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, और सेम पोजिशन पे उनकी वैल्यू जीरो हो रही है। तो इसका फ्रिक्वेंसी सेम होने की वजह से इसका फेज भी सेम है। यानी सेम फेज इज समहाउ कॉल्ड एंगुलर पोजिशन ऑफ एनी सिग्नल और एनी क्वांटिटी। अब स्टूडेंट, थर्ड टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम दो साइन या कॉस या दो टाइप के सिग्नल को जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, लेकिन अगर उन दोनों का एंगुलर पोजीशन डिफरेंट हो, जैसे ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन ये थीटा इक्वल टू किसी पर्टिकुलर एंगल यानी थीटा 1 से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस पोजिशन का थीटा, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। यानी या तो आप मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में ले ले, या जीरो के रिस्पेक्ट में ले ले, या मिनिमा के रिस्पेक्ट में ले ले। जैसे ये रेड वाला वेवफॉर्म, जैसे मान लीजिए वीएम साइन ओमेगा टी, ये इस पर्टिकुलर एंगल पे, यानी मैंने मान लिया इस पर्टिकुलर एंगल पाई पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, जबकि वीएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की जो वैल्यू जीरो हो रही है वो हो रही है पाई प्लस थीटा पे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगुलर पोजिशन डिफरेंस है, मीन्स पाई प्लस थीटा माइनस पाई, दैट इज इक्वल टू थीटा, इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। यानी दो फेज का एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगुलर डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट है साइकिल या ऑसिलेशन। साइकिल क्या है, ऑसिलेशन क्या है? मीन्स जब आप किसी भी एसी वेव को प्लॉट करते हो तो उस प्लॉटिंग के टाइम में आप देखोगे, एक बार अप आएगा तो एक बार डाउन आएगा, फिर उसके बाद अप आएगा। मींस मैं बोलूंगा एक बार पॉजिटिव साइकिल हो रहा है तो एक बार नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेशन ऑफ अ वेव फॉर्म इज कॉल्ड साइकिल। मींस द चेंज फ्रॉम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप ऑफ एनी क्वांटिटी, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अगेन पॉजिटिव ऑफ गिवन वेवफॉर्म फॉर एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल या ऑसिलेशन। मीन्स यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल। मीन्स हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड के बारे में, कि वॉट इज एम्पलीट्यूड और वॉट इज मैग्नीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी लाइक वोल्टेज एंड करेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी किसी भी
सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ एक साइन वेव है, मैंने मान लिया दिस इज द वोल्टेज फंक्शन, यानी इसका हो गया वीएम साइन ओमेगा टी। इस वीएम साइन ओमेगा टी में जो मैक्सिमम वैल्यू मिले दैट इज कॉल्ड वीएम, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वेव फॉर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये पॉजिटिव मैक्सिमम भी हो सकता है और नेगेटिव मैक्सिमा भी हो सकता है, तो दैट नेगेटिव मैक्सिमा इज कॉल्ड मिनिमा। तो यहाँ माइनस वीएम हो जाएगा नेगेटिव मिनिमा और यहाँ प्लस वीएम हो जाएगा पॉजिटिव मिनिमा, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, और जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसका उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी सिग्नल का जो वैल्यू होगा, जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड।